साथ एक और दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, उनसे राय लेते हैं। गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल से। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आईटी को लेकर व्यू क्या है सर, इस पर जरा राय भी दीजिए सेक्टर पर, और कोई पसंद अगर हो तो शेयर भी बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सकारात्मक सर रुझान लेकर के चलने की हमारी राय होगी, पहले भी थी, आज के तारीख में है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर के मेरे ख्याल से इस हफ्ते 18 तारीख को मेरे ख्याल से ब्याज दरों की कटौती की संभावना लग रही है। 25 बेसिस पॉइंट का अनुमान है, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति और हालात है, मेरे ख्याल से अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो ये मेरे ख्याल से दोनों हाथों से ये पूरे अमेरिका के बाजार और विश्व भर के बाजार इसका स्वागत करेगा। ब्याज दरों को कटौती को लेकर के हमारा आकलन ये कहता है कि ये एक सकारात्मक सा संदेश होगा आईटी क्षेत्र की कंपनियों के लिए। ये एक ही सांस में ये भी कहना चाहूंगा अभिषेक के मान्यता काफी लंबे समय से ये थी कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत में स्थापित आईटी कंपनियों के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यहाँ पर भी स्थानीय मार्केट में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उभरी है जिसका लाभ आईटी क्षेत्र की कंपनियां उठाती है, और अमेरिका को छोड़ करके यूरोप और बाकी अन्य मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। तीसरे तिमाही के पश्चात यानी कि इस वित्तीय वर्ष के दूसरे हिस्से में ये जो सुधार की गति है अभिषेक, हमें लग रहा है कि ये और तीव्र होगी, और लक्ष्यांक को लेकर के तो अभी हम परिस्थितियां ऊपर के तरफ देख रहे हैं, लेकिन दूसरे आधे हिस्से में यानी कि तीसरी तिमाही के बाद इसकी गति भी काफी तीव्र और तेज हो जाएगी। पसंदीदा स्टॉक कौन से हैं? तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, टेक, इंफोसिस, ये सूची है दिग्गजों में। छोटी मेजॉरिटी आईटी कंपनियों में परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी, साइंस लिमिटेड, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई, और एक कंपनी का नाम लेना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से आज से कुछ ही महीने पहले लिस्ट हुई थी, 585 का फ्लोर था, टाटा समूह की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब फिर से प्रयास कर रहा है, जो लिस्टिंग के पश्चात इसने 1400 के आसपास के स्तर बनाए थे वहां पर जाने के लिए। ये एकदम से नहीं होगा, लंबी अवधि के लिए होगा, नतीजों के आधार पर हमारा अनुमानित आकलन है। सर से हम थोड़ा आईपीओ मार्केट से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट जरा पता कर लेते हैं, यानी कि उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस असल में मेरे नहीं हैं, वो क्वेश्चंस व्यूअर्स के भी हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं कि पहला तो देखो, आईपीओ में लगाएं या नहीं लगाएं वो समय निकल चुका है, वो तो लग गया, लिस्टिंग होने को तैयार हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस दूसरे तरह के मार्केट में चल रहे हैं और उनका जवाब गौरांग भाई देंगे। गौरांग भाई, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में रीड किया हुआ है ना, तभी पूछें आपसे फिर। जी हाँ, पढ़ा भी है, मैनेजमेंट की टिप्पणियां कारोबार को लेकर के आईपीओ के पहले जो आपके चैनल पर और बाकी अन्य माध्यम पर आकर के बातें की थी। देखिए डीपी, एक चीज यहाँ पर समझना ये अनिवार्य होगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो क्षेत्र है, एचएफसी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर पहले से ही काफी सारी कंपनियां मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज भी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को हाउसिंग फाइनेंस उपलब्ध कराती है, लेकिन ये देखना है कि आगे बढ़ते हुए हाल में जो परिस्थिति और समय है और आने वाला भविष्य का जो समय होगा वहां पर कितना बड़ा मौका है। तो ये मार्केट मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 12-15% प्रति साल के रन रेट से बढ़ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। दूसरे तरफ अनुमानित अंदाजा आकलन ये लगाया जा रहा है कि ये साल के अंत तक दिसंबर 2024 या अगले वर्ष के पहले तीन महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में महंगाई दर 4% के नीचे आ जाएगी और ये वहां पर रहेगी लंबे समय तक, तो ब्याज दरों में कटौती हमारे यहाँ पर होगी। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है, और आज के तारीख में ये बजट के पश्चात लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि निवेश के लिए नहीं लेकिन खुद के रहने के लिए घर खरीदे, और अफोर्डेबिलिटी भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक बढ़ रही है। ये पूरा अगर समीकरण मैं आपके सामने रखता हूं तो मेरे ख्याल से पहले तो काफी सालों बाद बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप के तरफ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है, और 70 रुपए का ऊपरी स्तर है, मेरे ख्याल से ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है,
और नतीजों के आधार पर काफी बेहतर रुझान आ सकता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे ना तीन क्वेश्चंस की फॉर्म में ये पता करना चाहता हूँ। आपने कहा ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तीन क्वेश्चन जो लोगों के मन में चल रहे हैं मैं आपके वो सामने आपसे रखता हूँ सर, आप जवाब देते जाइएगा, सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं तो क्या मेरे को रखना चाहिए या फिर इसको मैं बेच दूँ? मेरा ये पहला क्वेश्चन है, मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं क्या मेरे को रखना चाहिए या मैं इसको बेच दूँ? सर आपका जवाब। इसके ये प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से दूंगा दिव्य जी। पहला तो अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए निवेश नहीं किया है, बाजार में से कर्ज पे से पैसा उठा करके निवेश नहीं किया है, आपका खुद का पैसा है, समय की पाबंदी नहीं है, तो जैसे मैंने कहा डिम्पी के हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में खास करके ब्याज दरों की कटौती आते हुए हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका होगा। लोन बुक ग्रोथ होगी, ग्रॉस नेट एनपीएस जो है वो सीमित दायरे में है, कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं है, और लिस्टिंग गेन्स को लेकर के तो मैं सक्षम भी नहीं हूं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी नतीजों के आधार पर। अब आप अपनी सोच और विचारधारा का प्रयोग कीजिए और ये देखिए कि आपको क्या करना है। अगर जल्दबाजी नहीं है तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतावलापन नहीं करना चाहिए, तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी आपने बैक टू बैक दे दिया। सर मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, मेरे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, मेरे को शेयर मिले ही नहीं, तो जब लिस्टिंग होगी तो मैं खुलते ही बजाज फाइनेंस के शेयर्स को प्लस कर लूँ? सर खुलते ही सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होंगे अब तो, मैं जो भी मिलेगा गैप मिलेगा, आप क्या करें, तो मैं खुलते ही प्लस कर लूँ सर? तो ये जो शब्द मैंने उतावलापन का जो प्रयोग किया, जो शब्दावली का प्रयोग किया डिम्पी, ये मात्र उस समय धारा को आधारित नहीं है। बाजार में भी मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि उतावलापन नहीं करना चाहिए। हाँ, मुनाफा समेटने के लिए आपको उतावलापन करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपके जो अनुमान थे उसके आधार पर आपको मुनाफा मिल रहा है। जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन हुआ था और जो आंकड़े हमारे और आपके समक्ष में, मेरे ख्याल से उत्साह बहुत होगा लिस्टिंग के समय पर आज मेरे ख्याल से। और यहां पर भी मैं वही कहूंगा कि थोड़ा समय दीजिए, उत्साह को थोड़ा ठंडा पड़ने दीजिए। वो ऐसा होता है ना दिप्पी, जब आप सोडा की बोतल खोलते हैं तो एकदम से ऊपर आ जाता है सोडा और फिर वो ठंडा पड़ जाता है। तो थोड़ा चीजों को मेरे ख्याल से सही विचारधारा, सोच समझ को ध्यान में रखते हुए, आकलन करते हुए आपको कामकाज करना चाहिए। खास करके शेयर बाजार में निवेश को लेकर के कभी उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि खुलते एकदम से उतरने के उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने आपने दे दिया हमको कि नहीं, थोड़ा बने रहिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि मौका देख के जब आपको लगे कि ठीक है आपके थोड़े पैसे बन गए हैं तो आपको बुक भी करना है तो आप बुक भी कीजिएगा। तो ये तीन क्वेश्चन मोटा मोटी थे। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पता करना चाहता था, आप सीधे लेवल्स पे तो नहीं बताओगे लेकिन सर मैं थोड़ा इनडायरेक्टली अगर आपसे पता करूँ तो मेरे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए मैं इसको लेगेसी के तौर पर रखना ही चाहता हूँ, मेरे को आज लिस्टिंग गेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं एक साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ सर इससे? मैंने आपको तो लिए आसान कर दिया इस क्वेश्चन का जवाब। अब मेरे को शुरुआती गेन उठा पटक ये सब से नहीं मतलब, मेरे को एक साल में कितना रिटर्न दे सकता है सर? इसका कुछ बेसिक बेसिक आंकलन दे सकते हो आप लिस्टिंग के बाद रिटर्न कितना दे सकता है? 50%, 60%, 20%, 100%? देखिए डिम्पी, मैं बहुत ही कम उम्मीद रखता हूं, उस उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अगर आप अनुमान लगाते हैं और फिर उस पर खरा नहीं उतारता तो आपको मायूसी और निराशा हाथ लगती है। तो मेरे ख्याल से नतीजों को ध्यान में रखते हुए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है उसका अगर मैं आकलन लगाता हूं तो 15 से 20% का रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये निरंतर सालाना नहीं होगा, कुछ साल में, कुछ वित्तीय वर्ष में
अनुमान से ऊपर आ सकता है, कुछ वित्तीय वर्ष में अनुमान से नीचा आ सकता है। ये निर्भर करता है कि कंपनी कामकाज कैसे करती है और शुद्ध मुनाफा कैसा आता है। एक चीज और वास्तविकता में ये ध्यान में रखनी चाहिए डिम्पी, के शेयर के दाम निर्धारित और आधार होता है कंपनी के नतीजे, शुद्ध मुनाफा और उनका आय जो है वो कैसे आती है। अगर ये निराश होते हैं तो शेयर के दाम भी निराश करेंगे, अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो शेयर के दामों में आपको अच्छा ऊपरी तरफ का स्तर और अनुमानित जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर। लेकिन एक संभव अनुमानित 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है, निर्भर होगा नतीजे कैसे। सर आपसे जरा ये क्रूड रिलेटेड कंपनीज पर व्यू चाहेंगे। ONGC में हमने देखा कि 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव चला गया था, लेकिन जैसे क्रूड कमज़ोर हुआ, ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% की नरमी आई, ONGC का भाव भी गिरा 290 रुपये के आसपास। क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला गौरांग सर शेयर है क्या, और OMCs को लेकर भी जरा अपना व्यू शेयर कर लीजिएगा। तो अभिषेक 330 के लक्ष्यांक है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से। इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम कंपनी जिसे कहते हैं या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, मिसाल के तौर पर ONGC, गेल ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां हो गई, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर अपस्ट्रीम कंपनीज आप कह सकते हैं, ये पर इन पर खरीदारी की राय है बुनियादी तथ्य के आधार पर। और हाल ही में मेरे ख्याल से ONGC को कुछ कुदरती भंडार मिला था तेल और गैस का KG D6 बेसिन में, और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू होगी। ऑयल मार्केटिंग्स में ने भी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी आपने प्रश्न पूछा है, तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL, HPCL और IOC, ये तीनों पर ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। देखिए अभिषेक, ये समझना होगा आप DT नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि जब कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है। जब कच्चा तेल नीचे जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो इन्वेंट्रीज वगैरह जो होती है वो एडजस्ट होना होता है और फिर उस पर मार्जिन्स, रिफाइनिंग मार्जिन्स के ऊपर उसका असर पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो और एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल इस स्तर पर आया, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वहां पर टिका रहे, खाड़ी में जो परिस्थिति है युद्ध को लेकर के वो ज्यादा आक्रामक ना हो, क्योंकि ये एक वजह हो सकती है कच्चे तेल में जो ठंडापन आया है उसमें फिर से उबाल आने के लिए। आप ये मूव कितने सस्टेनेबल दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मूव थोड़े अलग संकेत दे रहा है और अगर किसी को पोजीशन लेना हो 6 महीना साल भर वो भी कर सकते हैं? तो कुछ 5 कंपनियां हैं जो मेरी विचार, अगर मेरे मतलब याद शक्ति अगर सही है हमारी खरीदारी की सूची में, टाटा स्टील, हिंडालको, वेदांता, JSW स्टील और JSPL, और ये जो हम रुझान बेहतर या परिस्थिति बेहतर इसलिए देख रहे हैं अभिषेक, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग हो रही थी बाकी अन्य देशों में और भारत में, उसको लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए थे एंटी डंपिंग ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए, और प्रोत्साहन सरकार के तरफ से स्थानीय धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़े मायने पर मिल रहा है, और फेरस नॉन फेरस जो मेटल्स के दाम है कमोडिटी मार्केट में, वहां पर भी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी ये रहा है अगर आप तुलना करें बाजार की या फिर बाकी अन्य सेक्टर क्षेत्रों की। और कुछ चीजें जो मुझे सकारात्मक लगती है, एक तो है भारत निर्माण, जहां पर धातु और सीमेंट की खपत होगी, रियल एस्टेट सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो वहां पर भी धातु और सीमेंट की खपत होती है, निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर विस्तार योजनाएं करती है तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट की खपत होती नजर आएगी। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि में बहुत बड़े ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे।